17 सितंबर को विश्वकर्मा पूजा के दिन केंद्र सरकार पीएम विश्वकर्मा योजना की शुरुआत करने जा रही है। इसे लेकर जमशेदपुर में शिल्पकार, कारीगर और विश्वकर्मा समाज में उत्साह है। भर में पीएम विश्वकर्मा योजना लागू होने जा रहा है। यह योजना शिल्पकार, हस्तशिल्पियों एवं कारीगरों के उत्थान के लिए शुरू होगा। इस योजना में 18 तरह के कामगारों को शामिल किया गया है। विश्वकर्मा योजना में 1 लाख तक का कर्ज पहले चरण में दिया जाएगा, वहीं दूसरे चरण में 2 लाख की रियायत कर भी मिलेगी। वहीं उपकरण खरीदने के लिए 15,000 की मदद भी मिलेगी। लोगों को सुविधा तो ऐसा है नहीं, कोई सरकार सुविधा दिया नहीं है। अगर इतना जल्दी मिल जाता है तो ठीक है, पहुँचेगा जरूर। अगर हम लोग को मिलेगा तो जरूर फायदा होगा, नहीं मिलेगा तो क्या फायदा होगा। बहुत अच्छी बात है, अगर हर एक कारपेंटर भाई जो भी गरीब आदमी को अगर इसके बारे में पहुंचेगा तो बहुत अच्छी बात है। और इसके हाँ फायदा पहुंचेगा, इससे आगे जाके जो ऋण मिलेगा उससे आगे आदमी आगे प्रोग्रेस करेगा। जमशेदपुर विश्वकर्मा समाज में भी इसको लेकर उत्साह है। उनका कहना है कि इससे समाज के लोगों को काफी लाभ मिलेगा। 17 सितम्बर को विश्वकर्मा योजना की शुभारम्भ हो रही है, और जहाँ तक मुझे लगता है जो हम इस ये कमेटी जो चिंतन कर रही थी कि कुटीर उद्योग के लिए पैसे की व्यवस्था या किस तरह हम लोग करेंगे, इस योजना के लॉन्च होने से हम अपने विश्वकर्मा वंशियों को, लोहार और बड़े भाइयों को ज्यादा से ज्यादा इस योजना का मुझे लगता है कि मुझे लाभ मिले, मतलब एक निम्न परिवार तक ये योजना हम पहुंचाएंगे और उसे उसको लाभ दिलाएंगे। हम लोग इस योजना का लाभ अपने समाज के सभी लोगों को सुगमता पूर्वक सरकार के द्वारा जो भी दिशा निर्देश आएगा उसे लेकर उन्हें उसको बताएंगे और उनको उसकी जो भी त्रुटियां होगी या उससे जो भी लाभ हम दिला पाएंगे उनको सुगमता पूर्वक जमशेदपुर विश्वकर्मा समाज उसमें उनकी मदद भरपूर करेगा। हम लोग इसके लिए स्पेशल लॉन्च होने के बाद हम लोग एक कैंप भी लगाएंगे और उसमें सभी से आवेदन ले करके और उनके आवेदन को एक साथ हम लोग जो है प्रोसेस करके कोशिश ये करेंगे कि एक साथ ही उनको हम लोग लोन की व्यवस्था जिस भी बैंक से हो वो हम लोग करा पाए। जमशेदपुर में जिला प्रशासन ने 17 सितंबर को सिद्धगोड़ा के टाउन हॉल में विश्वकर्मा योजना को लेकर एक कार्यशाला आयोजित की है, जहां सिर्फ कारीगरों के कार्य क्षेत्र की सूची तैयार की जा रही है ताकि लाभार्थियों को वाउचर के माध्यम से इसका लाभ दिया जा सके। न्यूज 11 भारत के लिए जमशेदपुर से प्रभात कुमार की रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।